वीडियो में आप देख रहे हैं देश की सबसे दबंग पुलिस का हाल। बीजेपी विधायक के सामने यूपी पुलिस के एसपी हाथ जोड़कर खड़े हैं। जिस पुलिस पर पूरे यूपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो खुद बीजेपी विधायक की शिकायत कर रहे हैं कि उनके लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारा है। दरअसल शनिवार को उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए। जगह जगह सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात हुई, लेकिन पुलिस शांति व्यवस्था बनाने में नाकाम रही। बेचारी पुलिस करती भी तो क्या करती। बीजेपी विधायक खुद जो मैदान पर उतरे थे, अब सत्ता के सामने पुलिस प्रशासन भी लाचार हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिया है। पुलिस वाले खुद अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाते हुए नजर आए। इसी बीच इटावा के एसपी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एसपी साहब बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया से कह रहे हैं कि आपके लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा है। हमारा प्रत्याशी सीधा है, वो चुपचाप बैठा है वहाँ पे। जब हमने बात करने का प्रयास किया तो पुलिस ने हमारे साथ जबरदस्ती की। तो क्या नहीं, पुलिस ने फायरिंग आयरिंग भी किया क्या? एसपी सिटी ने कहा है कि हमको थप्पड़ मारा है, वो गिर गए हैं। क्या आप उस समय मौके पे थे? आपको इधर खड़े थे साइड से जी, अध्यक्ष जी गिरे पड़े थे रोड पे। पुलिस का कहना ये है कि पुलिस पे हाथ उठाया आपके लोगों ने, काहे के लिए? हमारे लोग कौन, हम और अध्यक्ष जी खड़े हैं, पिट रहे। जब बीजेपी विधायक से मीडिया ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हम लोग साइड में खड़े थे। इटावा से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी फोन पर कह रहा है कि सर बीजेपी वालों ने मुझे पत्थर मारे, वो लोग बम भी लेकर आए थे। चुनाव आप खुद देख रहे हैं, यूपी पुलिस का हाल। बता दें कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें लगातार सामने आई। सियासी दलों के समर्थकों ने इस चुनाव में जमकर हंगामा और बवाल किया। अयोध्या, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर में मारपीट की घटनाएं हुई हैं। इन झड़प में कुछ लोग घायल हुए हैं, जबकि कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा।